my name is Adrian and I'm from Nandi and I love Mirchi FM. Hi, my name is Sonny from Canberra. I love listening Mirchi FM online. मैं हूँ उर्मिला देवी आसियासी तावा से. जितेन शांडिल को और अश्निल को तावा में लॉक कर दिया जाए. हम लोग यहाँ सिंगापुर में Mirchi FM सुनता है. Mirchi FM is hot. I'm Shelly in Tanga Nursery. Mirchi music simply bindas in Nursery. Meshfar Valil Hussein. Mirchi FM mere nas nas mein. Mirchi FM, it's hot. नमस्कार वीजी, समाचार दर्शन के साथ वेदिका प्रताप. नए गरानी जेटी से गांव और लोमैवीती के लोगों को व्यापार करने के और मौके प्राप्त होंगे. प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बेनीमरामा ने ऐसा कल जेटी का उद्घाटन करते वक्त कहा. बेनीमरामा ने बताया कि इस इन्वेस्टमेंट से द्वीप के लोगों को भारी फायदा होगा. नए जेटी पर 10,000 टन वेसल्स बर्थ कर सकते हैं और यहां रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स की भी व्यवस्था है. बेनीमरामा ने गांव के लोगों से मांग की है कि वे व्यापार के नए मौकों का फायदा उठाए और विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखे. जेटी के होने से पहली बार वहां लोडिंग और अनलोडिंग फैसिलिटी रहेगी. इससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम होगा और लोगों के आने जाने में सहूलियत होगी. सेकेंड हैंड कार डीलर्स का कहना है कि खरीददारों को अगस्त से गाड़ियों के दामों में भारी गिरावट की आशा नहीं करनी चाहिए. फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स अथॉरिटी अब गाड़ियों के मार्कअप प्राइसेस को पब्लिश करेगा और फाइनेंस मिनिस्टर अय्यर सैयद खैयम का कहना है कि लोगों को इससे खुद दामों का अंदाजा लग जाएगा. टोकुसो पैसिफिक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इमरान ने बताया कि व्हीकल इंडस्ट्री में रेट्स रोजाना बदलते हैं और दामों को पब्लिश करना कठिन होगा. मोहम्मद इमरान के अनुसार लैंडिंग कॉस्ट को पब्लिश करने से गाड़ियों के लोकल सेलिंग प्राइस पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा. सकुरा कार्स के डायरेक्टर इरशाद जान का कहना है कि उनका भी यही विचार है और उनका कहना है कि समय के साथ ही दामों में बदलाव का पता चलेगा क्योंकि फिजी में सेकंड हैंड व्हीकल इंडस्ट्री काफी कॉम्पिटिटिव है. अगले वर्ष जनवरी से सेकंड हैंड हाइब्रिड व्हीकल्स पर 7,500 से $23,000 ड्यूटी चार्ज होगा जो इंजन साइज के आधार पर होगा. जबकि सबकी नजरें चीफ्स और क्रुसेडर्स के बीच हिस्टोरिक सुपर रग्बी मैच पर हैं. फिजी पुलिस फोर्स यह देख रहा है कि इस दौरान किसी तरह की समस्याएं नहीं आए. पुलिस स्पोर्ट्स सिटी के आसपास भारी मात्रा में रहेगी ताकि ट्रैफिक की कोई समस्या न हो. चीफ ऑफ ऑपरेशंस एसीपी रुसादे तुनरावो का कहना है कि वे फिजी स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. ऑफिसर्स इस दौरान लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे. व्हीकल ऑनर्स जिनके पास पासेस हैं से मांग की जा रही है कि वे इसे ऐसी जगह प्लेस करें जहां ट्रैफिक ऑफिसर्स इसे आसानी से देख सकें. और खेलकूद में चीफ्स के खिलाफ सुपर रग्बी मैच में भाग लेने के लिए क्रुसेडर्स रग्बी टीम आज फिजी पहुंचे. शुक्रवार को होने वाले मैच को देखने भारी मात्रा में लोगों से जाने की आशा है. क्रुसेडर्स की ओर से फिजियंस निमानी नंदोरो और चोने मादेलाई खेलेंगे. क्रुसेडर्स कैप्टन किरण रीड का कहना है कि उनके फिजियन प्लेयर्स ने इस सीजन बहुत अच्छा खेल दिखाया है. कोच टॉड ब्लैकएडा आशावादी है कि उन्हें फिजियन क्राउड से भारी समर्थन मिलेगा. चीफ्स और क्रुसेडर्स की भिड़ंत शुक्रवार को 7:35 PM ANZ स्टेडियम सुबह में होगी और इस मैच के डिलेड कवरेज को आप 11:45 PM FBC TV पर देख सकेंगे. ये थे आज के मुख्य समाचार. याद रहे इन समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्च FM को सुन सकते हैं. शुभरात्रि. हमारा नाम याकूब खान है. हम करवांगा रेजिडेंट में रहता है. रेडियो फिजी 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है. हमारे करवांगा के सभी लोग रेडियो फिजी 2 ज्यादा सुनते हैं. रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम. प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ. पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी 2 से सुनती हूँ. मैं देवेंद्र विजय वनीबाऊ के रहने वाला हूँ. रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है. रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन.